नमस्कार, मैं प्रज्ञा कर्जोकर, आपका न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महापरिनिर्वाण दिन के लिए वेस्टर्न रेलवे ने कमर कस ली है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दादर स्थित चैत्य भूमि पर पहुंचते हैं। इसके लिए पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। चर्चगेट, दादर, अंधेरी, माहिम और बोरीवली स्टेशनों पर श्रद्धालुओं को गिरगांव चैत्य भूमि, वर्ली शवदागृह और वैश्विक विपक्षना पैगोड़ा जाने के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। उपनगरीय स्टेशनों पर भीड़ की समुचित आवाजाही की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में RPF GRP कर्मी तैनात किए गए हैं। वॉच टावर्स बनाए हुए हैं हर जगह पे। हमने जो पुलिस कर्मी है उनके साथ साथ समता सैनिक दल जो है उनके पुलिस कर्मियों की पूरी संख्या 2000 तक है और समता सैनिक दल एक 7000 जो वॉलंटियर के तौर पे हमारे साथ काम करते हैं उसके साथ मैदान में हमने वॉच टावर्स के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम बनाई है क्योंकि इतने बड़े तादाद में आने के बाद में कई बार कोई एक दूसरे से खो जाता है तो उसमें उनको यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करने की वजह से वो सहूलियत मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर SRPF, RCP, BDDS, हमारी क्विक रिस्पांस टीम्स, इस सभी यहाँ पर तैनात की गई है। टिकटों की बुकिंग, निरस्तीकरण और रिफंड के लिए 5 से 7 दिसंबर तक अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियों की व्यवस्था की गई है। 5 और 6 दिसंबर को अहमदाबाद और जलगांव नंदुरबार से मुंबई आने वाली मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। चर्चगेट से बोरेवली तक स्थित आपातकालीन चिकित्सा कक्षों में 2400 घंटे समुचित संख्या में डॉक्टरों तथा सहायता कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देशन दिए गए है। 5 से 7 दिसंबर तक दादर स्टेशन पर रेलवे डॉक्टरों और कर्मचारियों की अतिरिक्त चिकित्सा टीम तैनात की गई है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।